आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। तेज खबर 24 में इस वक्त मध्य प्रदेश के सीधी जिला से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक महिला अपने दो बच्चों सहित बांध में छलांग लगा दी है, जिससे तीनों लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनाका खींच गया है। पुलिस फिलहाल तीनों के शव को बांध से बाहर निकालकर पीएम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। तो यह है इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधी जिले से आ रही है, जहां सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत जमुनिया कला निवासी राजकुमार की पत्नी संगीता गुप्ता ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ बमुरहा बांध में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं राजकुमार गुप्ता ने बताया कि कल शाम उसकी पत्नी संगीता अपने दो बच्चों के साथ घर से बिना बताए निकल गई थी, जिसके बाद उसके द्वारा पत्नी सहित दोनों बच्चों के गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। आज सुबह सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि बमुरहा बांध में तीन लोगों के शव देखे गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिला सहित दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला तो उनकी पहचान राजकुमार ने अपनी पत्नी संगीता सहित दोनों बच्चों के रूप में की है। राजकुमार ने बताया कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति बीते कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, जिसके चलते यह घटना हुई है। पुलिस ने फिलहाल मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तो हम आपको दिखा रहे इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधी जिला से आ रही है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया कला निवासी संगीता गुप्ता ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ बमुरहा बांध में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है।